हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल SB ओरिजिनेशंस। आज मैं आपको ये 3 लेयर की रफल स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये फ्रॉक की कटिंग की वीडियो मेरे चैनल में पहले से दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 मीटर नेट लिए हैं, इसे इस तरह से फोल्ड करना है। इसे हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं। इसके बाद इसकी हम मेजर करेंगे। ये मेरा 24 इंच आ रहा है, ये 4 फोल्ड में है। इसे हमने 4 फोल्ड इसलिए किए हैं कि इसमें से हमें 2 लेयर निकालना है दोनों स्लीव के लिए। अब इसे हम सेंटर से इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद इसे और एक फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसे हमने स्क्वायर शेप दिए हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस ना हो जाए। इस तरह आप इसको फोल्ड कर ले। फोल्ड करने के बाद अब इसकी हम मेजर करेंगे। इसे हम इस तरह सेंटर से पकड़ के यहाँ पे 10 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से हमें 10 इंच पर मार्क करना है। इसी तरह हमें दूसरे साइड में भी 10 इंच पर मार्क करना है। 10 इंच पर मार्क करके इसे आप राउंड शेप दें। हमने इसे बहुत इजी तरीके से दिखाया है, अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। ये स्लिप अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, आप भी इसे बनाएं। इसी तरह राउंड देने के बाद आप इसे कटिंग कर ले। इस तरह से हमने नेट की कटिंग करके नेट की फुल सर्कल बना लिए है। ये मेरा 4 पार्ट में है, देखिए ये 2 लेयर है दोनों स्लिप का। इसे हमें अलग करनी है, लेकिन इसे अलग करने से पहले इसे हमें आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप देने के लिए इसे हम फिर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी आर्म होल पर मार्किंग करेंगे। आर्म होल मार्किंग करने का एक फार्मूला है, आपका आर्म होल जितना भी रहेगा उसमें आप 6.28 से डिवाइड करें। जैसे मेरा यहाँ पे 13 इंच है मेरा आर्म होल, तो उसको हमने 6.28 से डिवाइड करके मेरा यहाँ पे 2 इंच आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच पर मार्क करना है। आपकी आर्म होल जितने भी रहेगी 15, 16 या 18, उसको आपने 6.28 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 2.5 इंच या 3 इंच जो भी आए आप मार्क कर ले। इसी फार्मूला को आप अगर फॉलो करेंगे तो स्टिचिंग के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होगा। हम यहाँ पे 2 इंच पर मार्क कर रहे हैं। इसी तरह 2 इंच करके मार्क करके हमें राउंड शेप देना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल बटन को भी क्लिक कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब ये ओरेब में हो गया है। कपड़ा ओरेब में रहने से स्टिचिंग के टाइम कभी कभी बढ़ जाता है, तो इसीलिए आप हमेशा 1 इंच कम रख के काटें ताकि जब आप स्टिचिंग करें तो वो मेकअप हो जाए। कटिंग करने के बाद आप इंची टेप को इसके ऊपर इस तरह रख के मेजर कर ले, आपके जितनी आर्म होल है वो इसमें आ रहा है कि नहीं। अगर इसमें नहीं आ रहा है तो आप इसको फिर से फोल्ड करके इसमें शेप दे दें। अब हम इसमें से दोनों स्लिप का फर्स्ट लेयर निकाल लेंगे। पहले हम इसकी फर्स्ट लेयर को निकाल लेंगे। फर्स्ट लेयर को निकालने के बाद हमें सेकेंड लेयर को फिर से उसी तरह फोल्ड करनी है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर मार्क करेंगे। नीचे से हमें 2 इंच पर मार्क करना है। 2 इंच पर मार्क करके इसमें पूरा में इसमें लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हमने सेकेंड लेयर को 2 इंच कम रखे है फर्स्ट लेयर से। इसी तरह मार्क करके हमें इसकी पूरी कटिंग करनी है। यहाँ पे मेरा सेकंड लेयर की कटिंग भी हो गया है, ये सेकंड लेयर है। अब ये इसके फर्स्ट लेयर है, दोनों लेयर की कटिंग हो गया है। अब इसकी थर्ड लेयर की कटिंग करनी बाकी है। अब इसकी थर्ड लेयर की कटिंग करते हैं। थर्ड लेयर के लिए हमने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी नेट लिए हैं, ये 13 इंच की है, ये 2 फोल्ड में है। इसे हमें फिर से और एक फोल्ड करनी है, फिर इसको सेंटर से भी और एक फोल्ड करनी है। जिस तरह हमने पहले किए हैं इसी तरह करनी है। अब हमें इसकी सेंटर में इंची टेप रखते हुए 7 इंच पर मार्क करना है। 7 इंच करके यहाँ पे पूरा में मार्क करना है। इसमें राउंड शेप देनी है। इस तरह से राउंड शेप देते हुए हमें मार्क कर लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसको भी हमने राउंड शेप में कटिंग कर लिए हैं।
अब हम इसकी आर्म होल पर मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग करने के लिए इसे भी हमने फिर से फोल्ड करना है, फोल्ड करके इसमें मार्क करना है। जिस तरह हमने उसमें 2 इंच पर मार्क किए थे, इसमें भी हमें 2 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से राउंड शेप देना है। अब इसकी भी कटिंग करनी है। इसकी हमने कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे मेरा 3 लेयर की कटिंग हो गया है। पहले हम इसकी फर्स्ट लेयर लेंगे, इसके ऊपर ये सेकंड लेयर जाएगा। अब इसकी 3rd लेयर इसके ऊपर रखनी है। इस तरह हमने दोनों लेयर अलग अलग कर लेनी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये स्टिचिंग करना बहुत ही इजी है। पहले हमें इसकी 1st लेयर लेनी है, इसके ऊपर 2nd लेयर को रखना है। दोनों आर्म होल को एक दूसरे के ऊपर रख के अच्छे से पहले सेट कर लेनी है, ताकि छोटा बड़ा ना हो। अब इसके ऊपर हम 3rd लेयर को रखेंगे। 3rd लेयर को भी इसी तरह रख के पहले सेट कर लेना है, क्योंकि ये तीनों को हमें एक साथ करनी है, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले आप पिन से इसे सिक्योर कर लें, इसके बाद ही आप स्टिचिंग करें। इसको सेट करने के बाद अब हम इसकी टॉप में स्टिच कर लेंगे। इस तरह से तीनों को एक साथ जॉइन करते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों स्लिप को ही इसी तरह स्टिचिंग करके कंप्लीट कर लें। इसे स्टिचिंग करने के बाद इसे हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए जो हमने फ्रॉक बनाए थे, वही फ्रॉक में इसको अटैच करना है। ये अटैच करना बहुत ही सिंपल है। पहले हमें इसकी टॉप पार्ट को लेना है। टॉप पार्ट के ऊपर ये स्लिप को रखना है। दोनों की राइट साइड एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसको हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह से दोनों को इस तरह से यहाँ पे हम जॉइन कर लेंगे। दोनों स्लिप को ही आप इसी तरह स्टिचिंग करके पूरा कंप्लीट कर लें। हमने जिस तरह दिखाया है, आप इसी मेथड को फॉलो करके ये 3 लेयर की रफ़ल स्लिप बना सकते हैं। अब हम ये जो 3 लेयर की रफ़ल स्लिप है, इसके नीचे जो लेयर है, इसमें हम इंटरलुक कराएंगे। आप चाहे तो ऐसे ही भी पहन सकते हैं या इंटरलुक करा के पहन सकते हैं। इंटरलुक करवाने से इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।